नमस्कार दोस्तों, मैं आरके ट्रेडिंग से रवि कुमार आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज तारीख है 4 सितंबर 2018 और कल के लिए यानी 5 सितंबर के लिए मैंने 3 स्टार के लिए 3 स्टॉक को सिलेक्ट कर लिया है, जिसे हम लोग कल 5 सितंबर यानी कि बुधवार के दिन ट्रेड करेंगे इंट्राडे में। तो किस लेवल पे बाय और सेल करना है, किस लेवल पे आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाना, इन सब कुछ सब चीज़ों की जानकारी मैं दूंगा इस सेक्शन में, 3 स्टार सेक्शन में। उसके पहले दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल आरके ट्रेडिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों देखते हैं वो कौन से 3 स्टॉक्स हैं 3 स्टार सेक्शन में, जिसे हम लोग कल 5 सितंबर 2018 में ट्रेड करेंगे इंट्राडे में। दोस्तों ट्रेड करने से पहले डिस्क्लेमर अच्छे से पढ़ लें, मैं यहाँ पे अपनी रिसर्च एनालिसिस इन तीनों स्टॉक्स में आपके एजुकेशन पर्पज के लिए पोस्ट करता हूँ। इसमें आप ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वो पहला स्टॉक कौन सा है जिसे हम लोग कल 5 सितंबर 2018 में इंट्राडे में ट्रेड करेंगे। HDFC बैंक पहला स्टॉक है दोस्तों हमारा, HDFC बैंक का। देखिए HDFC बैंक डेली पैटर्न पे, डेली चार्ट पर बिल्कुल राउंडिंग टॉप पैटर्न को डेवलप कर रहा है, उसी के आसपास आके इसने आज फिर से क्लोजिंग दिया एकदम लोअर साइड पर। ठीक है, यहाँ पे एकदम देख रहे हैं लोअर साइड पर, इसलिए मैंने HDFC बैंक को सिलेक्ट किया है कल के लिए। तो HDFC बैंक को दोस्तों हम लोग बाय करेंगे जब ये 2060 के ऊपर निकलेगा और इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे 2050 रुपये का, और जब HDFC बैंक 2045 के नीचे निकलेगा तो सेल करेंगे और इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे 2055 रुपये का। दोस्तों टारगेट हमेशा 0.5% से 1% रहेगा और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, बिना स्टॉप लॉस के आप लोग बिल्कुल भी ट्रेड ना करें दोस्तों, वरना सारा कैपिटल आपका वाइप आउट हो जाएगा। दोस्तों मेरी ऑनलाइन क्लासेस डेली चलती है इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे, क्लास के संबंधित ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसमें मैं अलग अलग तरह के इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लोगों को बताता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट बताता हूँ, मनी मैनेजमेंट बताता हूँ, दिन के किस टाइम में किस तरह के स्ट्रेटेजी को वर्क करना चाहिए, किस तरह के मार्केट बिहेवियर में आपका किस तरह का स्ट्रेटेजी होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे कवर करता हूँ। दोस्तों अगला स्टॉक है मैकडबल का। ठीक है, मैकडबल का मैंने सेलेक्ट किया है। देखिए मैकडबल का अपने ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है, उसके नीचे क्लोजिंग दिया है, तोड़ के कंटिन्यू ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके चल रहा था, आज उसके नीचे इसने क्लोजिंग दिया है, इसलिए मैंने मैकडबल को सिलेक्ट किया है। तो मैकडबल को कल हम लोग बाय करेंगे जब ये 615 के ऊपर निकलेगा और इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे 611 रुपये का। मैकडबल जब 595 के नीचे निकलेगा तो सेल करेंगे और इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे 599 रुपये का। दोस्तों टारगेट हमेशा पहला टारगेट 0.5% याद रखिए, उसके बाद 1%, उसके बाद अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स ओनली फॉर इंट्राडे के लिए दोस्तों, ये नया बैच मेरा सेकेंड बैच जो है 15 सितंबर 2018 से शुरू होने जा रहा है, तो इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसमें मैं पूरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स को कवर करता हूँ, इसमें अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, कैसे अपने लॉस को कम करना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है, न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग कैसे करना है, कैसे स्टॉक सेलेक्शन करना है, शुरू में कैसे ट्रेड करना है, दिन में कैसे ट्रेड करना है, इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर कवर करता हूँ। तो इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसका नया बैच 15 सितंबर 2018 से शुरू होने जा रहा है। अगला और अंतिम स्टॉक है दोस्तों टाटा ग्लोबल का। देखिए टाटा ग्लोबल अपने बिल्कुल इसी रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल के पास आके खड़ा है, जो कि इसने जनवरी में बनाया था सपोर्ट लेवल को, उसी सपोर्ट लेवल पे आके खड़ा है टाटा ग्लोबल। तो हम लोग टाटा ग्लोबल को कल बाय करेंगे जब ये 227 के ऊपर निकलेगा और इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे दोस्तों 225 रुपये का, और जब टाटा ग्लोबल 220 के नीचे निकलेगा तो सेल करेंगे और इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे 222 रुपये का। दोस्तों इसमें भी टारगेट हमेशा 0.5% पहला, दूसरा 1%, उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करें। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।